जय हिंद दोस्तों, मैं मंदीप और ये सेलू। तो आज हम आपको लेके आए हैं नेशनल वॉर मेमोरियल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अपने देश के उन वीर जवानों को याद करेंगे, उनकी स्मृतियों को देखेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों हम चेकिंग करा के अंदर आ चुके हैं, फूलों की सजावट नेशनल वॉर मेमोरियल में। ये देखिए, ये सीलू जी देखिए, सामने देखिए दोस्तों, जहां अमर जवान ज्योति विलीन करी गई है। और हम इस तरफ से चलेंगे, उसके चारों तरफ से घूम के आने के बाद फिर यहीं आके सामने जाके आपको दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं, साथ साथ दिखाते दिखाते। ये देखिए कितना अच्छा बना हुआ है, ये हमारे देश के जवान लगे हुए हैं यहाँ पे निगरानी के लिए, और सब परिवार के साथ आए हुए हैं। ऊपर थोड़ा गार्डन सा बना हुआ है इसके, और यहाँ देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है। दोस्तों ये है एक डोनेशन मशीन, ये है दोस्तों एक श्रद्धांजलि के तौर पे, इसमें हम डोनेशन कर सकते हैं कुछ पैसे जितना आपका मन करे, मोबाइल नंबर डाल के, नाम डाल के और OTP वेरीफाई करने के बाद ये देखिए डाला जा रहा है। तो आप भी यहाँ आते हैं, आपका भी डोनेशन का मन करे तो आप भी इसमें डिटेल फीड करके कर सकते हैं, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सर, फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पर विज़िट करना। तो आप लोग ये देखिए, ये जो लाइन दिख रही है आपको लाल लाल सी, इन सब पे नाम लिखे हुए हैं और काफ़ी अभी ब्लैंक हैं। जैसे जैसे इतिहास में सर्च कर करके हमारे शहीदों के नाम आएंगे, उनके नाम इन पे लिख दिए जाएंगे। दोस्तों इसके अंदर चल के अब हम आपको, ये देखिए हमने साइड से एक तरफ से तो आए थे, अब इसमें दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए सुविधाओं के तौर पे ये इस वाले घर की तरफ, ये देखिए नॉर्थ कॉम्प्लेक्स, उत्तर गैलरी, सुविधाएं और निकास, इधर से भी आप बाहर निकल सकते हैं, वहाँ जाते समय हम दिखाएंगे, पहले हम यहाँ से चलते हैं दिखाते हुए आपको। आइए ये देखिए, जैसे आए हैं देखिए हमारे देश के सबों के नाम सुनहरे अक्षरों में यहाँ लिखे हुए हैं, सब जितने हमारे देश के शहीद हुए थे, जिन्होंने हमें सुरक्षित रखने के लिए खुद का बलिदान दे दिया था, उन सारे जवानों के नाम यहाँ हैं, और उन सबको श्रद्धांजलि। ये देखिए हमारे देश का तिरंगा लहराता हुआ शान से, कहते हैं पार्टियाँ आएंगी जाएंगी, जात बिरादरी होंगी, पर ये देश रहना चाहिए सदा ऊंचा लहराता हुआ। एक्चुअली दोस्तों हुआ ये है कि मैं इसमें इंटर करके ब्लॉगिंग तो कर रहा था, ब्लॉगिंग के लिए आया था, बट इतने सारे अपने देश के शहीदों का नाम देख के इमोशनल हो चुका हूँ, तो शब्द नहीं आ रहे मेरे पास। आप यहाँ देख लीजिए, मैं अंदर आपको दिखाता हूँ चल के। एक रास्ता ये है और इसे बंद कर रखा है। अब इसमें ना दोस्तों ऐसा बना हुआ है सर्कल सर्कल सा, और हर सर्कल पे नाम लिखा हुआ है, देख रहे हैं कितने परिवार आए हुए हैं, सब आए हुए हैं। तो आइए हम भी अब इस मार्ग के पास चलते हैं। ये देखिए दोस्तों अमर जवान ज्योति, दोस्तों यहाँ से नीचे जाते हैं, अंदर नहीं जा सकते हम डायरेक्ट, इसी के साइड से ही होके हमें वापस आना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए लगाया हुआ है, ये है बैटल ऑफ लोंगेवाला, देख रहे हैं आप, इसके बारे में बताया जा रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है बैटल ऑफ लोंगेवाला के बाद ये है बैटल ऑफ गंगा सागर, इसके बारे में ये देखिए ये लिखा हुआ है। अब इसके बाद एक और चित्र है बैटल ऑफ, ये भी आपको दिखा देता हूँ, ये तिथवाल की लड़ाई, ये है तिथवाल की लड़ाई, इसके बारे में ये देखिए,
हमारे देश के जवानों ने बहुत युद्ध लड़े। दोस्तों अब बढ़ते हम आगे, उसके बाद ये देखिए सप्तमेव जयते, वायुसेना थल सेना नौसेना सबका यहाँ पर। दोस्तों कुल मिला के 6 युद्धों के बारे में लिखा हुआ है, ये देखिए बैटल ऑफ रेजांगला। ये देखिए ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑपरेशन ट्राइडेंट, ये देखिए ऑपरेशन ट्राइडेंट। दोस्तों ये सारा हमने आपको दिखा दिया है, इसके बाद हम ये देखिए इधर निकास है और स्मारक है, तो देखते हैं इधर से देखते हुए। अब हम आपको एक तरह से नेशनल वॉर मेमोरियल पूरा दिखा चुके हैं, तो इधर चल के दिखाते हैं पहले क्या है। दोस्तों ये है इधर आने के बाद स्मारक, तो इसके अंदर चल के देखते हैं। आशा विश्वास आस्था, दोस्तों स्मारक में कैमरा चलाना बैन है, तो हमने आपको सारा दिखा दिया। दोस्तों आज के ब्लॉग को हम यही ख़त्म करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।